दरभंगा विश्वविद्यालय कांड संख्या 330/19 बेला दुर्गा मंदिर के पास बीते 5 तारीख को दो पक्षों के बीच गोलीबारी हुई थी, जिसमें 4 लोग सहित पूर्व सांसद कीर्ति झा आजाद के निजी सेक्रेटरी मिथिलेश झा को भी गोली लगी थी। इस घटना को लेकर दरभंगा पुलिस को चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा था। दरभंगा सिटी SP योगेंद्र कुमार ने बताया, दरभंगा पुलिस के लिए यह चुनौती भरा मामला था, जिसको लेकर विश्वविद्यालय थाना अपनी तत्परता दिखाते हुए सघन छापेमारी की, जिसमें रात्रि को 2 नामजद अभियुक्त संतोष पासवान एवं राजू पासवान को गिरफ्तार किया गया है, जिसको लेकर दरभंगा के सिटी SP ने प्रेस वार्ता कर पत्रकारों को बताया कि 2 नामजद अभियुक्त की गिरफ्तारी हो गई है, शेष अभियुक्तों की तलाशी की जा रही है, बहुत जल्द पुलिस के हत्थे वो भी चढ़ जाएंगे। बेला दुर्गा मंदिर के पास में जो गोलीबारी हुई थी, इसमें 3 लोग घायल हो गए थे, वो सभी लोग अब आपको डेंजर हैं, नॉर्मल हैं। उसमें जो हम लोग ने FIR दर्ज करी थी, वो जितने 12 नामजद लोगों पे FIR दर्ज हुई थी, उसमें से 2 जो अभियुक्त हैं जो कि नेम्ड भी हैं FIR में, हम लोग ने उनकी गिरफ्तारी की है। आज मॉर्निंग में इनकी गिरफ्तारी हुई है, इनको जेल भेजा जाएगा, इनसे पूछताछ भी की गई है। अन्य जो अभियुक्त हैं उनके बारे में भी काफ़ी जानकारी मिली। हमारी टीम लगातार घटना होने के बाद से इसमें छापेमारी कर रही है और बाकियों की भी गिरफ्तारी हम लोग जल्दी करेंगे। तो इसमें जो 2 नामजद अभियुक्त हैं उनकी गिरफ्तारी हम लोग ने 24 घंटे के अंदर ही कर ली है, और हमें उम्मीद है जो इसमें अन्य अभियुक्त हैं उनकी भी गिरफ्तारी जल्दी हो जाएगी। चिन्हित तो सभी को पहले ही कर लिया गया था। अनुसंधान में पूछताछ में जो बात आई है कि ये मोहल्ले के लड़के हैं, इनका दूसरे पक्ष से 2-3 दिन से विवाद चल रहा था, और वही विवाद बाताबाती में गाली गुलाज में थोड़ा ज़्यादा बढ़ गया था, और उसमें से 2 लोगों ने फायरिंग कर दी थी। इन लोगों का 2 आज अरेस्ट हुए हैं। इनका जो नगर के थाने हैं उनमें कोई आपराधिक इतिहास नहीं पाया गया अभी, लेकिन हमारे जो पड़ोसी जिले हैं या जो बाहर के थाने हैं, हम लोग वहाँ भी सब जगह इन लोग का आपराधिक इतिहास पता करेंगे, और जैसा भी होगा फिर उसको दर्ज करके माननीय न्यायालय में गिरफ्तारी विश्वविद्यालय थाना क्षेत्र से ही की गई है। गिरफ्तारी के लिए टीम प्रयासरत है और उनकी भी गिरफ्तारी जल्दी हो जाएगी। इन लोग से इंट्रोगेशन में हमें काफ़ी अहम क्लूज मिले हैं, जल्दी बाकी सबकी गिरफ्तारी। गिरफ्तार सदस्यों के नाम इस प्रकार हैं, एक का नाम है संतोष पासवान और दूसरे का नाम है रमण मंडल, और दोनों ही रहने वाले बेला शंकर विश्वविद्यालय थाना क्षेत्र के, जहां घटना हुई थी वहीं के दोनों लोकल हैं। इसमें हमें अभी अन्य लोगों की भी गिरफ्तारी करनी है, और जितने भी नामजद हैं वो सबसे पहले उनकी गिरफ्तारी इसमें जरूर करेंगे, और इन लोग से पूछताछ हमें काफ़ी चीज़ें पता चली, हमारी टीम लगी हुई है, जल्दी बाकी की भी।